नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भारत में लोग कई तरह के व्यंजन खाते हैं। यहां के व्यंजन अपने स्वाद के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर हैं। भारत में कुछ ऐसी जगहें हैं जो अपने यहां के व्यंजनों के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, और जब भी लोगों को इन जगहों पर जाने का मौका मिलता है तो लोग वहां बड़े चाव से अपनी मनपसंद व्यंजनों को खाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ प्रसिद्ध शहरों के बारे में, जो अपने यहाँ के लजीज व्यंजनों के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों के दिलों में खास स्थान रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर के बारे में। इंदौर अपने यहाँ के नमकीनों के लिए फेमस है, साथ ही यहाँ का बिना तला हुआ समोसा, दही बड़ा और साबुनदाना का खिचड़ी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यही कारण है कि लोग जब भी इंदौर आते हैं तो इन चीज़ों का स्वाद चखना नहीं भूलते। अब बात करते हैं अमृतसर के बारे में। अमृतसर शहर भारत का प्राचीन और धार्मिक शहर है। इसके साथ साथ यह शहर अपने लजीज व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का चिकन टिक्का, मटन चाप, लस्सी और फालूदा जैसे व्यंजन अपने खास स्वाद के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोलकाता के बारे में। कोलकाता भी भारत का एक प्राचीन शहर है और यहाँ की बनी मिठाई पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ आप पुचका, झालमुड़ी, लूची, आलू दम, बादाम माखा, फिश कटलेट और मसाला कचौरी जैसे व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जो अपने खास स्वाद के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। अब बात करते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और यहाँ की लजीज व्यंजनों के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको प्याज कचौड़ी, दाल बाटी चूरमा, घेवर और गट्टे की सब्जी जैसे कई लजीज भोजन का स्वाद चखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध शहर है और दक्षिण भारत वैसे भी अपनी खास और लजीज व्यंजनों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। चेन्नई में आप वड़ा, जिगर ठंडा, फिल्टर कॉफी, मुरकू नेथली फिश फ्राई, मैसूर पाक, सुंदल बिरयानी, डोसा और पनियारम जैसे लजीज व्यंजनों का मजा ले सकते हैं। अब बात करते हैं लखनऊ के बारे में। लखनऊ भी अपने यहाँ के लजीज भोजन के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ फेमस कबाब के अलावा आपको चिकन कोरमा, अवधी चिकन करी, लखनवी पुलाव, रोगन जोश, कटोरी चाट और शाही टुकड़ा जैसे लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पटना के बारे में। पटना में फेमस लिट्टी चोखा के अलावा आप यहाँ पिट्ठा, पुआ, तिलकुट, मनेर का लड्डू, धनरुआ की खोए, सिलाव का खाजा और माढ़ा की लाई का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं वाराणसी के बारे में। वाराणसी शहर का बनारस वाला पान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ की मलाई पूड़ी भी बहुत मशहूर है। यहाँ बनारसी ठंडाई, नायाब लस्सी, जलेबी और कचौड़ी, मलाई मिठाई जैसे लजीज और बेहतरीन व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं पुणे शहर के बारे में। पुणे महाराष्ट्र का एक बहुत ही सुंदर शहर है। यहाँ आपको पिथला भकड़ी, डबेली और पूरन पोली, बन मस्का, मीट कीमा, मिसाल पाव, गुड़ रसगुल्ला, वड़ा पाव, चटनी सैंडविच का भी लुत्फ उठाने के लिए मिल सकता है। ये व्यंजन बेहतरीन स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ आप खांडवी, ढोकला, कतला इत्यादि व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगर आप भी इन व्यंजनों का स्वाद चख चुके हैं तो अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके शहर का भी कोई व्यंजन बहुत ज़्यादा मशहूर है या कुछ खास स्वाद के लिए जाना जाता है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। व्यंजन के साथ साथ अपने शहर का नाम भी अवश्य बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।